हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल योर पर्सनल ब्लॉगर। तो दोस्तों, हम लोग आज आए हुए हैं पुरी के एक साइड एरिया में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे गुप्त वृंदावन बनाया गया है। हम लोग आज पुरी के गुप्त वृंदावन को घूमने के लिए आए हुए हैं। जगन्नाथ पुरी भगवान विष्णु का ही, भगवान जगन्नाथ का ही धाम है। और यहाँ पे श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु को लेकर एक वृंदावन ना हो, ऐसा हो सकता है? तो पुरी के बहुत ही साइड एरिया में एक गुप्त वृंदावन है, जिसको हम लोग देखने के लिए आए हुए हैं। आप यहाँ पे लाइन देख सकते हो। और यहाँ पे हम लोग जैसे ही अंदर की ओर बढ़ रहे हैं, हमें सबसे पहले दर्शन होते हैं गणपति बप्पा के। जैसे कि हम लोग जानते हैं, साल में सबसे पहली पूजा गणपति बप्पा की ही होती है। और यहाँ पे सबसे पहले हमें गणपति बप्पा के ही दर्शन होते हैं। और उसके बाद हम लोग अंदर चलते हैं और घूम कर देखते हैं आखिर अंदर में और क्या क्या है। आप यहाँ पे गणपति बप्पा की मूर्ति को देख सकते हो, कितना ही ज़्यादा शानदार और खूबसूरत लग रही है। अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं और अब यहाँ से हम लोग घूमना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सुदामा और श्री कृष्ण को आप लोग देख सकते हो। हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप भगवान जगन्नाथ को देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको एक अनोखा बात ये दिखेगी, यहाँ पे भगवान जगन्नाथ के हाथ है। आप अगर भगवान जगन्नाथ धाम में भगवान जगन्नाथ के हाथ देखोगे तो वहाँ पे हाथ नहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हाथ भी बनाए गए हैं। बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मीराबाई कृष्ण प्रेम में डूबी हुई है, इसको दर्शाया गया है। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पे भगवान विष्णु अवतार को दिखाया गया है। आप लोग देख सकते हो, अर्जुन को श्री कृष्ण ने जो अपना अवतार दिखाया था, भगवान विष्णु का रूप को दिखाया था, तो वो विराट रूप आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या है। यहाँ पे आप लोग माता सरस्वती को देख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ना दोस्तों। और यहाँ पे आप लोग चैतन्य महाप्रभु को देख सकते हो, मानो हम लोगों को स्वागत कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे और क्या क्या है। क्या ही दृश्य है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, राम और सीता और उसके साथ साथ जितने भी जीव जंतु है, सभी यहाँ पे है। यहाँ पे भगवान राम और माता सीता की वनवास को दर्शाया गया है। बहुत ही बेहतरीन दृश्य है। कुछ आगे आते ही हम लोगों को यहाँ पे भगवान राम का और रावण का जो युद्ध हुआ था, उसको दर्शाया गया है, यहाँ पे दिखाया गया है। आप लोग देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण और राधा जी को दिखाया गया है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। यहाँ पे आप लोग कलाकृति को देख सकते हो, कितने ही ज़्यादा बेहतरीन ढंग से मूर्तियों को बनाया गया है। और यहाँ पे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को दर्शाया गया है। आप लोग देख सकते हो, ठीक सामने नारायण जी भी बैठे हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और खूबसूरत लग रहा है। इन सभी कलाकृतियों को देखकर हमारा हृदय भक्ति भाव से भर चुका है। यहाँ पे आप लोग श्री माता लक्ष्मी को देख सकते हो। कुछ आगे आते ही हम लोगों को यहाँ पे गौर और निताई भगवान देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। और इस गुप्त वृंदावन में सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत ब्यूटीफुल चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग 15 से 20 फीट की ऊंचाई की बजरंगबली की मूर्ति को देख सकते हो। बजरंगबली की मूर्ति ठीक श्री राम के सामने रखी हुई है, मानो बजरंगबली हमेशा श्री राम को ही देख रहे हैं।
बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पे एक मंदिर के जैसा बना हुआ है, अंदर देखते हैं क्या है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो राधा और श्री कृष्ण को दर्शाया गया है वृंदावन में लीला करते हुए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को घर बैठे मैं इतने अच्छे जगह को घुमा कर दिखा रहा हूँ, इसके लिए एक लाइक तो ज़रूर कर दो और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ और भी आगे आने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग नरसिंह अवतार को देख सकते हो, है ना बेहतरीन। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप लोग एक मंदिर देख सकते हो। ये मंदिर गुप्त वृंदावन के बीचों बीच है, ये भगवान शनि भगवान का मंदिर है और यहाँ पे भगवान शनि का शिला मूर्ति आप लोग देख सकते हो। जैसे शनि श्रृंगलाज मंदिर में जैसे शिला मूर्ति है, ठीक उसी के तरह यहाँ पे बनाया गया है, भगवान शनि की शिला मूर्ति भी यहाँ पे रखे हुए हैं। सभी भक्त यहाँ पर आकर दिए वगैरह जलाते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। बोलो जय शनि महाराज। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग समुद्र मंथन को देख सकते हो, एक तरफ राक्षस और एक तरफ भगवान दोनों मंथन कर रहे हैं और ऊपर में माता लक्ष्मी प्रकट हुई हुई है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन दृश्य है। इस गुप्त वृंदावन में, पुरी का जो गुप्त वृंदावन में, यहाँ पे हम लोगों को हर एक चीज़ बहुत ही बढ़िया तरीके से दर्शाया गया है, जिसे देख कर हमारा हृदय भक्ति भाव से भर जाते हैं। और यहाँ पे आप लोग रुक्मिणी और श्री कृष्ण को नाव पर देख सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो श्री चैतन्य महाप्रभु को, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दृश्य है दोस्तों। ये कम से कम 20 से 30 फुट ऊंचाई की होगी और बहुत ही ज़्यादा बड़ी तो है और उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन भी लग रहा है। ऐसा दृश्य मैं तो कहीं और नहीं देखा, ऐसा अनोखा दृश्य देखकर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, मानो यहीं पर रुक जाओ। है ना दोस्तों, ये दृश्य मन को भा जाने वाला, ऐसा दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक लाइक तो बनता है दोस्तों, फटाफट लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे वीडियोस आगे और भी आने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में।